सुबह के 6 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है। और गढ़वाल के पहाड़ों में आज ये सीन है, कई जगह धुंध जमी हुई है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। और देखिए, इतनी सुबह पहाड़ी लोगों की लाइफ भी शुरू हो चुकी है और इनके जो भी दिन के काम होते हैं अब लोग अपने अपने कामों पर जाने लगे हैं। ये वाला जो पौधा है, ये हल्दी का पौधा है। अभी ये शायद तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जड़ों में ना पूरी हल्दी होती है। और हल्दी भी ना गांठ की फॉर्म में निकलती है, मतलब जैसे अदरक होती है वैसे ही निकलती है हल्दी। और उसको फिर मिक्सी में या फिर यहाँ पर जो कूटने के लिए होता है उससे पीसा जाता है और फिर उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, लकड़ी स्टोर करके रखी है। अभी भी काफ़ी जगह इन घरों में खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गैस नहीं है, गैस हर जगह हर घर में है, लेकिन जो यहाँ की एक परंपरा है शुरू से, जिस चीज़ को ये लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसकी वजह से ही यहाँ पे चूल्हा जलाते हैं और इन लकड़ियों को लेकर आते हैं और घर पे जाके जलाते हैं। तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ रखी हैं सारी सूखने के लिए रखी हुई हैं और पूरे दिन धूप में सूखने के बाद फिर इनका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है। तो ये जो सामने वाली प्रॉपर्टी देख रहे हो, मैं यहाँ पे ठहरा हूँ और आज मैं इसके नीचे आया हूँ। ये अलग प्रॉपर्टी है और इसके नीचे फिर और घर है। वापस घर चलते हैं, आज काम बहुत ज़्यादा है। 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, अब कपड़े फिर दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं, वो कपड़े धोने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑफिस का भी काम है और कल की वीडियो भी बनानी है। तो 9:30 बज चुके हैं और आज फ्राइडे है और आज सच में बहुत ज़्यादा काम है। सबसे पहले तो यहाँ पे कपड़े धोने और फिर आज बैंक जाना है। और कपड़े धोने भी यहाँ पे एक चैलेंज है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे आप कपड़े धोएंगे या जहाँ पर आपका बाथरूम है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी की सप्लाई मिलेगी। बाकी सामने पहाड़ों का मौसम देखिए, आज कोहरे के साथ साथ धूप भी है और आज काफ़ी ज़्यादा बादल भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार, इतने दिन हो चुके हैं और यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, वीडियो अपलोड करनी थी वो हो गई, कपड़े धो लिए और अब बैंक जाने का काम है, सबसे बड़ा काम है। और अभी इस टाइम 11:15 बज रहे हैं तो बैंक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ और भी किसी और का भी काम है। और इस टाइम अभी खाना भी पैक कराने के लिए जाना है क्योंकि अभी जा रहे हैं वरना फिर दूसरा चक्कर काटना पड़ेगा। तो देखिए, गाँव के अंदर का रास्ता है जो ये सीधा मेन रोड की तरफ जाता है और मैं बाइक यहाँ पर अंदर पार्क करता हूँ। तो हम ATM आ चुके हैं, ये है यहाँ का SBI बैंक और काफ़ी दूर है, जहाँ से चिलड़ी से हम लोग चले थे वहाँ से करीबन 4.5 किलोमीटर दूर है। और ये इकलौता ATM है काफ़ी दूर में, काफ़ी सारे गांव के बीच में इकलौता ये वाला ATM है। और ये है बैंक, यहाँ काम अच्छे से हो गया और बिल्कुल खाली था, केवल 3 जन का स्टाफ है यहाँ पे और जो काम कराने आए थे एक काम था वो हो गया और कैश भी आसानी से निकल गया। देखिए, बैंक से आ रहे थे और मस्त चीज़ देखी हम लोगों को, तो हम रुक गए थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं निकली हुई रहती हैं, तो इनका पानी इतना ठंडा होता ना, इतना ज़बरदस्त पानी होता है। बिस्लरी, एक्वाफीना वगैरह सारी ब्रांड्स फेल हैं, बहुत सुंदर जगह है। और ये देखिए, ये धारा का पानी आ भी रहा है ना, तो ये ऊपर कहीं पहाड़ों में से आ रहा है, शायद आपको दिख रहा हो अभी, मैं श्योर नहीं हूँ, स्क्रीन बहुत छोटी है इस कैमरे की, बट पानी यहाँ से आ रहा है और फिर इस धारा में से निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है। और देखिए, आज भी ना कई जगह इस गांव में पुराने जमाने के मकान है ये। अच्छा, पहले जमाने में जो मकान होते थे ना, हाँ वो सब ये हैं, ये पखाली वाले। अच्छा, तो ये अंकल बता रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे मकान रह गए पुराने ज़माने के जिन पर ये पठाली लगी हुई रहती है, हालांकि अब काफ़ी कम हो गए। मोस्टली जो अगर आप घर देखोगे ना यहाँ से, तो सीमेंटेड घर हैं, ईंटों के घर बने हुए हैं, लेकिन मजबूती के मामले में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। ये घर 100-150 और इससे शायद ज़्यादा ही साल तक टिके रह सकते हैं, लेकिन जो आप ये घर देख रहे हैं जो आजकल बने हुए हैं, इनकी लाइफ इतनी नहीं होती है ना अंकल, इतनी नहीं है। सामने दरवाजे पे जो आप सींग लटका हुआ देख रहे हो, ये एक्चुअली भेड़ का सींग है।
और यहाँ इस गांव में, इनफैक्ट उत्तराखंड के ज़्यादातर गांव में, ये जो सींग है आपको आमतौर पर सभी घरों पे मिल जाएंगे। यहाँ ये माना जाता है कि सींग को दरवाजे पे टांगने से जो यहाँ की बुरी शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ से दूर रहती हैं। और देखिए मैं इस वाले घर में रुका हुआ हूँ, तो ये अंकल हैं जहाँ पे अंकल रहते हैं, ये अंकल रहते हैं और इन्हीं का एक नीचे घर है, मैं उस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ आजकल। और जो आप आजकल व्यू देखते हो ना सुबह सुबह ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ में, वो इसी घर के सामने से आप देखते हो। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये यहीं से दिखाई देती हैं। अगर आप चारों तरफ देखोगे भाई, बहुत खूबसूरत गांव है ये। लेकिन ये गांव इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है, मतलब यहाँ पे अंकल कितने लोग रहते होंगे? 400। यहाँ पे 400-500 लोग रहते हैं एक टाइम पे, हालांकि अब कुछ लोग जा भी चुके हैं यहाँ से शहरों की तरफ। और देखिए यहाँ पर मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काम करते करते पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और अब 6:50 हो चुके हैं, 7 बजने वाले हैं, अब जाके टाइम मिला बाहर आके थोड़ा वो देखने का। और एकदम देखिए अंधेरा हो चुका है और पहाड़ियों पे मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से पता है धुंध छाई हुई है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बाकी मुझे लगता है इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ख़त्म हो चुका है, लाइट एकदम जा चुकी है। बाकी अगर ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया है और आपको गढ़वाल सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़ लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।